तो आज हम लोग बात करने वाले कि होंडा का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर रहेगा वो कैसा होगा, उसका क्या स्पेसिफिकेशंस एक्सपेक्टेड है और ये कब तक आ सकता है। तो वेलकम टू ऑटो इन्फो, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो होंडा इंडिया के जो MD है उन्होंने कंफर्म किया है कि महाराष्ट्र स्टेट में एक थाने बोल के एक जगह है, वहाँ पे इन लोगों का पायलट टेस्टिंग चल रही है। यहाँ पे होंडा की इलेक्ट्रिक स्कूटर की फुल टेस्टिंग हो रही है। इन्होंने अपने टेस्टिंग के दौरान 2,00,000 किलोमीटर कम्प्लीट कर ली है और स्वैपिंग बैटरी का यूज करते हुए 7,000 स्वैपिंग को कम्प्लीट भी कर दिया है, जो की बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सितंबर 2023 के अंदर ये स्कूटर आ सकता है मार्केट में। इन्होंने स्वाइपिंग बैटरी के लिए HPCL और बेंगलुरु मेट्रो के साथ भी एक कोलैबोरेशन किया है। सबसे पहले हमें ये स्कूटर बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलेगा और इन्होंने एक अलग से कंपनी को रजिस्टर कर रखी है जो कि 2-व्हीलर और 3-व्हीलर के लिए स्वैपिंग बैटरीज बनाएंगी। तो पावर की अगर बात करें तो अभी जो पेट्रोल पावर्ड एक्टिवा आ रही है लगभग उसी के जैसा पावर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर देगा, कुछ बहुत ज्यादा पावर इसमें नहीं मिलेगा आपको। और रेंज की अगर बात करें तो इस स्कूटर का रेंज होने वाली है अंडर 100 किलोमीटर, यानी 70-80 के आसपास आप मान के चल सकते हो। रीजन क्या है कि यहाँ पे बैटरी जो है कॉम्पैक्ट साइज की रहने वाली है, क्योंकि स्वैपिंग बैटरी होने वाला है ना, तो सिंगल बैटरी ही लगेगी और सिंगल बैटरी में कुछ खास रेंज आपको नहीं मिलेगा। और होंडा पावर पैक एनर्जी इंडिया बोल के कंपनी होंडा ने ऑलरेडी बना चुका है जो कि इनका स्वैपिंग बैटरीज को बनाएंगी। इसके साथ ये भी हो सकता है कि होंडा का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो विदाउट बैटरी भी सेल हो सकती है। इससे क्या होगा कि स्कूटर का जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। उसके बाद जो बैटरी है वो रेंट पे लेनी पड़ेगी क्योंकि स्वैपिंग बैटरी का जो सिस्टम है वो ऐसे ही चलता है। उसके बाद जो सेफ्टी होगा स्कूटर में वो इनका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि रिसेंटली हमें बहुत ज्यादा फायर केसेस देखने को मिला है ईवी स्कूटर्स के अंदर, इसीलिए ये लोग सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्नड है। क्योंकि होंडा एक्टिवा जो है एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है इंडिया के अंदर, लोगों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट है इनके ऊपर, इसलिए इनका मेन फोकस जो है सेफ्टी के अंदर ही रहेगा। तो ये था होंडा की इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में कुछ जानकारियां। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।